हाय गाइस, देखिए हम मलाई से घी निकाल रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमारा घी देखिए बाहर निकल रहा है। देखिए आप इसको अच्छे तरीके से छान लीजिए, और इसका आपको बनाना रहे मिठाई उठाई तो आप बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा, देखिए हमारा बाहर निकल गया। कोई झंझट नहीं है, ऐसे करके आप पूरा घी निकाल सकते हैं। छान लीजिए, और इसका मन कहे आप लौंग लता बनाइए, जो भी आपकी इच्छा हो बनाने। नहीं तो इसमें भी पानी डाल के आप रख सकते हैं, नीचे पानी बैठ जाएगा, ऊपर घी आपका आ जाएगा। आप घी निकाल लीजिए, और घी निकाल के गर्म करके आप पराठा बना लीजिए। हाय गाइस, आप लोग हमारे पहले वीडियो में देखिएगा, हमने मलाई से घी निकालना आपको बताया था। तो फिर हमने कहा था जब ये बच जाएगा तो आप इसमें पानी डाल के रख दीजिएगा। तो देखिए हम पानी डाल दिए थे, सब घी देखिए ऊपर आ गया था पानी के साथ। तब देखिए हम छान ले रहे थे, इधर छान छान के हम रख ले रहे हैं। तो देखिए हमारा इधर घी ऊपर आ गया है ना, एक दिन रखेंगे तो घी आपका जम जाएगा। तो आप ऊपर से निकाल सकते हैं घी, और पानी फेंक दीजिएगा। इसको गर्म करके आप पराठा बना सकते हैं घी को। तो देखिए हमारा 3 दिन का घी देखिए कुछ इतना बन के तैयार है, और आज का देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार है। जब ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे। देखिए मलाई से घी बहुत इजी तरीके से बन के आपका तैयार हो जाता है, कोई झंझट ही नहीं है। भाई जिसके पास फ्रिज होगा उसका तुरंत जम के घी निकल जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा एक दिन तक रखे रहेगा। तो उसके बाद आप निकाल लीजिएगा, जब घी ऊपर जम जाएगा तब निकाल लीजिएगा।